अगर आप कोई इंसान हीरोइन या किसी किस्म के ड्रग अब्यूज करता है, उसके जो ब्रेन सेंटर्स इफेक्ट होते हैं वही इस एडिक्शन की वजह से भी होते हैं। इसका थोड़ा सा और मैं बताना चाहूंगी लोगों को कि आमतौर पे लोग इतनी हम आम और सादा बात कर देते हैं कि लोग शायद उसके टेक्निकल एस्पेक्ट को समझ नहीं पाते कि जो एक हमारा जो ब्रेन के अंदर न्यूरोकेमिकल्स होते हैं, हमारे ब्रेन में जब हम कोई ऐसा काम करते हैं जिससे हमें सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलता है तो डोपामाइन प्रोड्यूस होता है। तो क्या होता है जब हम डोपामाइन इतना ज्यादा प्रोड्यूस होने लगे, किसी भी एक्टिविटी को हम इतना ज्यादा डोपामाइन हाइक देने लगे अपने ब्रेन को, तो हमारी एडिक्शन बन जाती है। सरवत नसीम शाह साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये कहिएगा, स्क्रीन एडिक्शन कितनी खतरनाक हो सकती है और इससे कैसे बचा जा सकता है? जी देखिए, अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले आपके नाज़रीन को बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। अच्छा, मैं आपको स्क्रीन के एडिक्शन से पहले ये भी पॉइंट ऑफ व्यू बता दूं कि देखें, स्क्रीन और टेक्नोलॉजी से अब फरार मुमकिन नहीं है। तो जैसे कि आज हम इस वक्त कनेक्टेड हैं और बहुत सारी बातें कर सकते हैं फासले के बावजूद, आई थिंक टेक्नोलॉजी के एडवांटेजेस भी बहुत ज़्यादा हैं। तो हम इससे ये नहीं हो सकता कि टेक्नोलॉजी को अपनी लाइफ से माइनस कर दें। अब ज़रूरत इस अमर की है कि हमें टेक्नोलॉजी को कॉन्कर करना है। तो इस हवाले से हमें ये समझना है कि एडिक्शन के लेवल तक जो चीज़ें जा रही हैं, यानी कि पहले हम सुनते थे कि ड्रग एडिक्शन या सब्सटेंस एडिक्शन लोगों को हो जाती थी, इसके अलावा एडिक्शन की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, लेकिन अब ये एक रिसर्च बात है और ये क्लिनिकली प्रूवन है कि जो टेक्नोलॉजी की एडिक्शन होती है, जो फ़ोन या स्क्रीन्स की एडिक्शन होती है, वो भी आपके ब्रेन के उन सेंटर्स को अफेक्ट करती है जो कि ड्रग्स या सब्सटेंस से, अगर आप कोई इंसान हीरोइन या किसी किस्म के ड्रग अब्यूज़ करता है, उसके जो ब्रेन सेंटर्स अफेक्ट होते हैं वही इस एडिक्शन की वजह से भी होते हैं। इसका थोड़ा सा और मैं बताना चाहूँगी लोगों को कि आमतौर पे लोग इतनी हम आम और सादा बात कर देते हैं कि लोग शायद उसके टेक्निकल एस्पेक्ट को समझ नहीं पाते कि जो एक हमारा जो ब्रेन के अंदर न्यूरोकेमिकल्स होते हैं, हमारे ब्रेन में जब हम कोई ऐसा काम करते हैं जिससे हमें सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलता है तो डोपामाइन प्रोड्यूस होता है। तो क्या होता है जब हम डोपामाइन इतना ज्यादा प्रोड्यूस होने लगे, किसी भी एक्टिविटी को हम इतना ज्यादा डोपामाइन हाइक देने लगे अपने ब्रेन को, तो हमारी एडिक्शन बन जाती है और फिर हमारी बॉडी, हमारा माइंड, हमारी हर चीज को उस चीज की तलब होने लगती है और हमें चाहिए होता है वो हर थोड़ी देर के बाद, और हम उसे दूर नहीं रह पाते। तो ये है एडिक्शन का बेसिक क्राइटेरिया जिससे कि हम समझ सकते हैं कि कोई भी चीज हमारी एडिक्शन बन गई है। आप देखते होंगे कि असरात मुरतब होते हैं इसके बहुत ज्यादा, और इससे आपकी एन्जाइटी भी जो है ना हमारे साथ अक्सर मौजूद रहे हैं नफसियाती जो हैं एक्सपर्ट्स, उन्होंने कहा है कि इससे आपको एन्जाइटी इश्यूज भी सामने आते हैं। तो इससे हम निजात कैसे पा सकते हैं? क्या कोई ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो हम इसको आहिस्ता आहिस्ता कम कर सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए आपने देखा होगा लोगों को सिगरेट की एडिक्शन होती है और कई लोग उस पर काबू पा लेते हैं और उसको छोड़ देते हैं। इसी तरह बहुत से लोग होते हैं जिनको चाय की एडिक्शन होती है और वो उसको छोड़ देते हैं। तो जिस तरह बाकी एडिक्शंस को छोड़ा जा सकता है, तो इंसान का जहन जो है, इंसान का ब्रेन जो है, वो हर चीज़ से ऊपर है, हर एडिक्शन से ज़्यादा ताकतवर है। और इसके कुछ तरीके होते हैं, ज़ाहिर है कुछ प्रोसेस एक दिन में ही एडिक्शंस नहीं छूटती, इनके लिए डिटॉक्स चाहिए होता है। तो हमें अपने सबसे पहले इरादा बनाना होता है कि हमें इस चीज़ को छोड़ना है, इसकी एडिक्शन के लेवल से हमें हट जाना। तो सबसे पहले तो ये इरादा बनाना, जब स्क्रीन एडिक्शन हम खासतौर से क्योंकि इस वक्त फैमिलीज और बच्चों के हवाले से बात करें, तो जो इसमें सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि सबसे पहले फैमिली मीटिंग करें और बच्चों को ये चीज़ बताएं कि एडिक्शन उनको किस तरह इफेक्ट करी है, और एक जो रूल्स है ना वो पूरी फैमिली मिलके बनाएं और बच्चे उसमें इंक्लूडेड हों। तो जो चीज़ विल पावर के साथ हम शुरू करते हैं उस चीज़ का हमेशा इफेक्ट ज़्यादा आता है। इसके अलावा दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट किसी भी एडिक्शन को ओवरकम करने का होता है, और स्क्रीन एडिक्शन के लिए भी वो ट्रू है, वो ये है कि आपको ऑल्टरनेट एक्टिविटी ज़रूर देनी है। जब हम ये कहते हैं कि कोई भी किसी से भी कहते हैं कि आप ये चीज़ छोड़ दें, तो वो छोड़ने के बाद जो वॉइड आता है, यानी वो टाइम या वो जो एक्टिविटी करता था, उस टाइम को फिल करने के लिए हमें एक दूसरी एक्टिविटी, पॉजिटिव और हेल्दी एक्टिविटी इनपुट करनी होती है। जैसे कि अगर आप ड्रग एडिक्शन से किसी को हटाते हैं तो आप उसको एक्सरसाइज पे लगा दें, तो वो ओवर एक्सरसाइज करता है, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करता है, उससे उसकी एक तो उसका टाइम फिल हो जाता है, और दूसरा ये होता है कि उसको उसकी बॉडी से डिटॉक्स हो जाते हैं वो सारे सब्सटेंस। तो इसी तरह जैसे हमारे बच्चों के टाइम में ये भी बताइएगा, टाइम इज फिल्ड विद स्क्रीन, तो वो स्क्रीन का टाइम को हटाने के लिए आपको कोई और हेल्दी एक्टिविटी उनको देनी होगी ताकि वो उसका। अब जैसे आजकल हम देखते हैं कि जी छोटे छोटे बच्चे हैं, वो खाना नहीं खाते जब तक उनके सामने टैब या फोन ना पड़ा, सोते नहीं है या बहुत जिद करते हैं, फिर उनको फोन पकड़ा दे वो चुप कर जाते हैं। तो ये बताइएगा कि ये ठीक है अगर अब तो मजबूरी बन गया, अगर मजबूरी है तो ये बताइएगा कि
एक हेल्दी टाइम क्या होना चाहिए स्क्रीन? जी देखिए कि ना ये ठीक है और ना ये मजबूरी है। देखिए बच्चे, एक एडिक्शन होती है जो इंसान खुद अपने चूज करते हैं, लेकिन ये तो इंड्यूस्ड एडिक्शन है ना। एक साल का बच्चा या 6 महीने का बच्चा खाने के टाइम खुद अपने सामने फोन नहीं रख सकता। ये हम एडल्ट्स कर रहे हैं अपनी आसानी के लिए। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा अलार्मिंग बात यह है कि जो आपने टाइम का पूछा कि 1 year 0 to 1.5 year यानी 1.5 साल की उम्र तक स्क्रीन दिखाने का कोई जवाब नहीं है। आप उस टाइम पे बच्चे, हम तो 2 माह के बच्चे को मोबाइल थमा देते हैं खाना खिलाने के लिए और उसको मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं वो लगा देते हैं और उसके बाद वो इस चीज़ का खुद एडिक्टिव हो जाता है। बहुत शुक्रिया जी, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया।